हेलो दोस्तों, मैं पृथ्वीलाल रायकवार आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये हमारा 5 HP का क्रंक है, इसको हम आज सेट करेंगे, फुल फिटिंग करेंगे इसका इंजन का। तो इसके मेन हम इसका क्रंक के बारे में आपको बताएंगे, सिर्फ क्रंक के बारे में। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि न्यू वीडियो की अपलोड आप तक पहुंच जाए और एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ऑयल पंप है उसको बैठाना कैसे है। तो देखिए दोस्तों, ये कट दिए है और इस तरफ नहीं दिए, तो ये जो कट है ये अंदर की तरफ रहेगा। ये 30 नंबर का है दोस्तों, ये क्रंक जब टर्न होता है तो नंबर वहीं से मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये बैठ गया। और दोस्तों चलो, मैं इसके बाद आपको इंजन में लगा के आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे लगाना है और क्या करना है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जब भी अपना बड़ा वाला व्हील खोलें, ये आयल सील आती है 200, 300, 216, तो दोस्तों इस आयल सील को हमेशा चेंज कर दें जब भी आप खोलें। और इससे क्या होता है कि हमारा अगर दोबारा काम पड़ा तो बड़ा वाला व्हील को हमें खोलना पड़ सकता है, तो इसीलिए इस आयल सील को हमेशा ध्यान से चेंज करते दो। तो दोस्तों मैं इसको लगा दिए रहा हूँ। तो हमारी आयल सील कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ इसके आगे क्या करना है। तो ये पीछे का जो पल्ला होता है ये दोस्तों हमारा बुश वाला है, तो आप इसको तीनों नट लगा दीजिए, ये किसी तरफ भी लगा सकते हैं, इसमें उल्टा सही मतलब ये छेदों का कोई दिक्कत नहीं होता, आप चाहे जिस तरफ मुंह करके इसको लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको लगा दिया है। अब इसके बाद हमारा क्रैंक, हमने जो इसका आयल पंप बैठा लिया है, और इसके बाद हम इसको आयल पंप इसको बॉडी में इसको लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको लगा के और आप दिखाता हूँ। दोस्तों हमने इसको फांस दिया है। दोस्तों मैं आज आप बता दूं दोस्तों कि मैं अकेला हूं दोस्तों, और वीडियो भी मैं ही बनाता हूं। दोस्तों हमने इसने लगा दिया है, इसके बाद हमने इतना इसे हो गया है, इसमें फंसा दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो ऑयल पंप होता है दोस्तों, इसको डाल दें, नहीं आप फिर बाद में इसको ऑयल पंप नहीं डाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ऑयल पंप आप डाल के इसको अच्छे से, दोस्तों मैं ऑयल पंप आप डाल के दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमारा बैठ चुका है और आयल पंप ये हो गया हमारा। और इसके बाद हम इसमें क्या है कि ये एक अगर अलग से इसका वो आता है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आता है दी है और पैकिंग लगा दिया है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये बुस वाले में जो होता है ये कट दिए है ना, जो देखिए दोस्तों चारों तरफ नहीं, ये नीचे तरफ रहेगा हमारा। ऐसे बताओ का था, बहुत मजा। ये दोस्तों ये इसी तरह आपको बस दोस्तों ठीक। इसके बाद हम इसके नट टाइट करके फिर आपका आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो हमने ऑयल पंप को फंसा दिया है, आपको ये देखिए हमने चारों नट इसके लगा दी हैं। और इसके बाद आपको मेन चीज़ आपको बता दें, इसमें एक समस्या आया करती है, जैसे दोस्तों आप देखेंगे इसको, ये ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे देखो अगर आपका ऐसा आपका कभी ऐसा हो रहा हो तो देखिए ये कि सीम आती है, इसको आप इसको खोल लीजिए किले को, और इसको भी खोल लीजिए, और इसके अंदर
इसको डाल दीजिए तो ये आपका गैप खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मैं आपको बैलेंसर कैसे लगाना इसका बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक बेड को लगा दिया, इसमें लॉक होती है, मैं आपको बता दूं। ये रहा दोस्तों हमारा बेड, ये रहा दोस्तों इसका बोल्ट। अब मेन चीज़ इसमें भी एक सिस्टम होता है कि कैसे लगाना, ऐसे लगाना है कि ऐसे लगाना है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें क्या प्रोसेस हो। एक तो हमने लगा दिया है और एक मैं आपको बता देते हैं। तो देखें दोस्तों, आप अगर गौर से देखेंगे, मान लो ये हमारा बुश वाला है, वो दूसरे वाले में दूसरा होता है, वायरिंग वाले में। वायरिंग वाले में मैं बताऊँगा कि रंग बैठा के कैसे उसका सिस्टम होता है। ये बुश वाला है, यही प्रोसेस होता है पूरा सिर्फ। और आप बेड कभी भी खोलना तो बेड को ध्यान दे देना कि कैसे लगा था, अगर आपको दूसरा किसी का क्रैंक खोलना ये बैरिंग वाला। और बाकी पूरा सिस्टम यही होता है पूरा जितना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों ये आप ध्यान दे रहे हो जो शायद आपको दिख रहा है, ये जो हमारा कट है, ये नट लगाने वाला, नट लगाने वाला जो कट है, देखिए इस तरफ कम है और इस तरफ ज़्यादा है, तो हमारा ज़्यादा वाला भाग भीतर तरफ रहेगा, मतलब इस तरफ रहेगा, समझ गए दोस्तों। ये जो हमारा कम वाला भाग है ये ऐसे लगेगा, कम वाला भाग इस तरफ, इस तरफ, जिससे क्या होगा कि हमारा बॉडी में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको लगाता हूँ और आपको बताता हूँ। और ये दोस्तों लॉक हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और इन्हें इतने फुल टाइट करना है दोस्तों, इनको अगर आप ढीला करेंगे तो फिर इंजन आपका फिर से फट जाएगा, और लॉक लगाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इनको लगाता हूँ और आपको बताता हूँ फिर। और दोस्तों लगाने से पहले इसको एक बार चेक कर लें कि हमारा, हमारे नए बेड हैं तो कहीं मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही लगाने से। क्या होता है कभी कभी हमारा जो नया होता है तो कभी कभी कि छोटा बड़ा हो जाता है, तो आप नाप के ही लगाइएगा। हमने दोस्तों इसको फुल टाइट कर दिया है, इसके बाद घुमा के देख लेंगे कि कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही। देख लीजिए जो पंप और बीच में जो है ये मतलब अटके ना, कहीं भी ना हो और आराम से हमारा चले। आप एक बार घुमा के चेक कर लेना अच्छे से, क्या होता है इंजन का मेन पार्ट होता है, इससे नुकसान होता है, इंजन फट भी सकता है, किसी की मौत भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसके जो लॉक होते हैं इनको हम, ये जो आप दोस्तों लॉक देख रहे हैं ना, इनको हम इस तरफ कर देंगे, इस तरफ देख सकते हैं हमने इसके लॉक लगा दिए हैं, जिससे कि हमारा चलते हुए नट ना खुले। और दोस्तों देखिए, और इसके बाद हमारा ये सियाल लॉक भी होते हैं, इनको भी हमने लगा दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हम अब आपको क्रंक में बैठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टुमारो।